हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम प्रजापति। आप लोगों का आदर्श क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स का, ठीक है, सेकंड पार्ट यानी करने जा रहे हैं, मतलब वीडियो नंबर 2 में आपका स्वागत है। हम लोग स्टार्ट किए हैं रिलेशन, ठीक है। रिलेशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें हमने वीडियो 1 में बताई। अब हम लोग बात करने वाले हैं सम पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में ही कवर करेंगे, फिर उससे रिलेटेड उसके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है वो है एमपीटी रिलेशन, ठीक है। सबसे पहला जो है वो है एमपीटी, ठीक है, एमपीटी रिलेशन। एमपीटी रिलेशन और इसका दूसरा नाम एक होता है, ठीक है, वॉयड रिलेशन। एक एमपीटी रिलेशन होता है, दूसरा नाम होता है इसका वॉयड रिलेशन। इसका मतलब क्या है, एमपीटी रिलेशन का मतलब क्या हो गया। जैसे सपोज मान के चलिए आपके पास कोई सेट दिया हुआ, सेट ए, ठीक है। आपने सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लिया, ठीक है, और आपको एक रिलेशन डिफाइन किया गया, और उस रिलेशन के आधार पर सेट ए में आपको कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिला उस रिलेशन के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, देन हम बोलेंगे उस रिलेशन को एमपीटी सेट, ठीक है। इसका डिफिनेशन अगर आप देखें तो हम लोग क्या लिखते हैं, आर रिलेशन, ठीक है, आर रिलेशन आर इन सेट ए, इन आर सेट ए, आर रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड एन एमपीटी रिलेशन, इट्स कॉल्ड एन एमपीटी रिलेशन इफ नो एलिमेंट, है ना, इफ नो एलिमेंट टू इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए ठीक है तो वी डिनोट सच रिलेशन बाय, इस प्रकार के रिलेशन को फाइ से डिनोट किया जाता है। ये क्या बोल रहा है, एक रिलेशन आर सेट ए में एमपीटी सेट कहलाएगा, कब, जब नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए के ही किसी एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा रिलेशन आर के लिए, तब वो आर क्या कहलाएगा, तब उस केस में आर कहलाता है एमपीटी रिलेशन, ठीक है। और एमपीटी रिलेशन को कैसे लिखा जाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं दस, है ना, आर इज ए फाई, तो क्या कहलाता है, फाई इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, क्योंकि फाई तो हर किसी का सबसेट होता है, ठीक है। तो एमपीटी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, इस प्रकार से इसको डिनोट किया जाता है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। सेट ए का हर एक एलिमेंट का कार्टेशियन प्रोडक्ट जब सेट ए के हर एक एलिमेंट के साथ किया जाता है, और रिलेशन जब सेट ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट पर डिफाइन किया जाता है, तो उसके ऑर्डर्ड पेयर यानी कि कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं होता सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि उस रिलेशन को डिफाइन कर सके, यानी कि उस रिलेशन के अकॉर्डिंग कोई भी सेट कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं प्रेजेंट होता। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आर इज ए सबसेट, आर इज ए एमपीटी सेट ऑन रिलेशन ऑन सेट आर, ठीक है, ऑन सेट ए, तो आर एक एमपीटी सेट कहलाता है। एक एग्जांपल के अगर तौर पर देखें, एक एग्जांपल के हेल्प से तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। जैसे देखिए, हमने एक एग्जांपल लिखा है, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। क्या बोल रहा है, आर बी ए रिलेशन इन ए, तो आर क्या है, आर इज ए
रिलेशन इन सेट इन गिवन बाय किस तरह दिया हुआ है, ठीक है, गिवन बाय आर डिफाइन किया हुआ है किस प्रकार से, तो ए कॉमा बी, ठीक है, सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू सिक्स, एक रिलेशन दिया हुआ है कि ए कॉमा बी क्या है, एक आर का एक ऑर्डर पेयर है और उसमें से दोनों का डिफरेंस क्या आता है, सिक्स आता है। तो अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर वन से लेकर के फाइव तक ही एलिमेंट्स हैं, अगर आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे ए क्रॉस ए लिखेंगे तो ए क्रॉस ए में आपको कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं मिलने वाला। कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा 1.1 से, है ना, 1.2 से, 1.3 से, एंड कहाँ तक जाएगा, एंड जाएगा आपका 5.5 तक। अगर आप देखें तो इसके बीच में कोई भी ऐसे ऑर्डर पेयर नहीं है जिसको आप रखें, यहाँ पर ए का वैल्यू और बी का वैल्यू, तो आपका आंसर 6 दे, जैसे 1.2 रखो तो माइनस वन आएगा, कभी 6 नहीं आने वाला, 5 में से 5 माइनस करो 0 आएगा, कभी 6 नहीं आने वाला। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस रिलेशन को क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो या फिर इस रिलेशन को डिफाइन कर रहा हो। तो जब हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा तब हम बोलेंगे कि R is a empty relation, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ से हमको ये समझ में आ गया कि no element, ठीक है, हमको क्या समझ में आया कि no element यानी कि a comma b जो हमारे पास R में है, ठीक है, a comma b जो R में है, ठीक है, वो R में बोलो या फिर आप a cross a भी लिख सकते हो, ठीक है, जो a cross a का है यानी कि ए क्रॉस ए में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी, ए क्रॉस ए में जो हमारे यानी कि लिखा हुआ है नो एलिमेंट ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है, विच बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए सेटिस्फाई, है ना, सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू सिक्स वाला कोई भी प्रॉपर्टी हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस a में कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा हो, अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता तो ये रिलेशन एम्प्टी नहीं होता, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला हमारे पास a कॉमा b का कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है a क्रॉस a में जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे और रिलेशन दे, जब नहीं है तो एम्प्टी रिलेशन हो गए। तो दिस इज द रिलेशन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि R is an, है ना, empty relation, R is an empty relation on set A, set A पर क्या कहलाता है, ये empty relation कहलाता है, ठीक है, ये तो हो गया empty relation की कहानी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, दूसरा types of relation, universal relation का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब होता है रिलेशन R इन सेट A इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ A, ठीक है। तो क्या लिखा है इसने, इफ इसे लिखा है कि ए रिलेशन, डेफिनेशन की अगर बात करो, ए रिलेशन R इन सेट A, ए रिलेशन R इन सेट A is called universal relation, ठीक है, universal relation कहलाएगा कब, कि जब if each element of A is related to each, ठीक है, if each element of A is related to each element is related to each element of A, यानी कि R सेट A पर यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा कब, जब A का हर एक एलिमेंट सेट A के हर एक एलिमेंट से क्या हो, रिलेटेड हो, उस केस में हम इसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। तो इसको अगर हम लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, दस R is equal to A cross A, है ना, A cross A, A cross A क्या होगा,
एक रो से अपने आप में क्या हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा किसका, एक रो से का, यानी कि एक रो से ये जो सबसेट ऑफ एक रो से ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इज द, है ना, इज द यूनिवर्सल, ये एक यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है, इसको हम लोग एक यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। ठीक है, किस पर कहते हैं, तो ऑल ए पर, ये ए पर एक यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सी बात इसमें रखी है कि रिलेशन आर एस एट ए पर यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा, कब, जब ए का हर एक एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड हो तब उसको यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए सबसेट होगा ए क्रॉस ए का तब वो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा उनसे। एक एग्जाम्पल लिखते हैं बहुत सिंपल सा, उसके आधार पर आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मान के चलिए हमारे पास एक एग्जांपल है, क्या लिखा हुआ, 1, 2, ठीक है, 1, 2, 3, ठीक है, और क्या लिखा है, आर इज ए रिलेशन, आर इज ए रिलेशन ऑन सेट, ऑन सेट ए, आर इज रिलेशन ऑन सेट ए पर किस प्रकार है, तो इस प्रकार है कि ए कॉमा बी सच दैट a plus b greater than equal to 0। देखिए रिलेशन दिया हुआ है, a comma b such that a plus b greater than equal to 0, यानी कि जो भी ordered pair आएगा उसका sum करो, तो sum 0 हो या 0 से बड़ा हो, 0 हो या 0 से बड़ा हो, अगर ऐसा ordered pair है तो सब को उठा लो। तो देखो अगर इसका लिखोगे तो 1 comma 1 आएगा, cartesian product अगर करोगे इसका ऐसे करके तो हमारे पास एक तो आएगा 1 comma 1, फिर आएगा 1 comma 2, फिर आएगा 1, 3, फिर आएगा 2, 1, ठीक है, फिर आएगा 2, 2, फिर आएगा 2, 3, फिर आएगा 3, 1, फिर आएगा 3, 2, फिर आएगा 3, 3, तो इतने हमारे पास आए ऑर्डर पेयर्स। तो इसमें देखो किसी भी ऑर्डर पेयर का सम निकाल के देखो तो सब ऑर्डर पेयर का सम, किसी भी ऑर्डर पेयर का सम निकालोगे तो हर एक ऑर्डर पेयर का सम जो है 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा। तो क्या लिखा हुआ, 0 बराबर तो आने वाला है नहीं, तो 0 से बड़ा, कंडीशन क्या लिखी है, a plus b greater than equal to 0, तो 0 नहीं बट 0 से बड़ा तो है, हाँ बड़ा है, तो ये सभी की सभी आपके r में एग्जिस्ट कर जाएंगे, ये सभी की सभी आपके r के भी ऑर्डर पेयर हो जाएंगे। तो हम क्या बोल देंगे, हम बोलेंगे कि a क्रॉस a है, a क्रॉस a सबसेट ऑफ a क्रॉस a, यानी कि a क्रॉस a जो है वो एक सबसेट है किसका, r का। जब सबसेट है तो एक यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो हर एक एलिमेंट सेट का जो है दूसरे से रिलेटेड है तभी यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं आइडेंटिटी रिलेशन की तरफ। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ रिलेट करता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है, द रिलेशन आई ए कॉमा ए सच दैट ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना, स्मॉल ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए is called the identity relation, इसको हम लोग identity relation कहते हैं। ठीक है, is called the identity relation on A। ये बहुत simple, बहुत easy है, बहुत आसान भी है। क्या लिखा, relation है आई ए, ए ए से ही रिलेटेड होगा, यानी कि खुद एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा, एक्सेल रिलेशन होगा, और जो भी एलिमेंट होगा वो सेट ए का होगा, तब इसको आइडेंटिटी रिलेशन कहा जाता है। जैसे अगर आप एक एग्जांपल के तौर पे समझे, तो जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे है ना, हमने लिखा 1, 2, 3, ये एक हमारे पास एक एग्जांपल है सेट का। और अगर हम आइडेंटिटी रिलेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1, 1, ठीक है, 2, 2 और 3, 3, ठीक है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है कि
क्यों? इसलिए क्योंकि वन वन से रिलेटेड है, टू टू से रिलेटेड है और थ्री थ्री से रिलेटेड है, इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन है। अदरवाइज अगर है ना, अगर ये ऐसा होता, जैसे हमने एक एग्जांपल दूसरा ले लिया सेम है ना, टू कॉमा थ्री कॉमा फोर, एक एग्जांपल ऐसे ले लिया, और जब हमने इसको लिखा, हमने एक रिलेशन लिखा इस प्रकार से, क्या लिखा कि टू कॉमा टू है ना, हमने लिख दिया टू कॉमा टू रिलेशन है और थ्री कॉमा थ्री रिलेटेड है, फोर कॉमा टू रिलेटेड है, इस प्रकार से, ठीक है। और हमने पूछा क्या ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि टू तो टू से रिलेटेड है, टू जो है टू से रिलेटेड है, थ्री भी जो है थ्री से रिलेटेड है, लेकिन फोर जो है वो फोर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इसलिए ये एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ठीक है, ये एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि टू टू से रिलेटेड है, थ्री थ्री से रिलेटेड है, लेकिन फोर फोर से रिलेटेड नहीं है, इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है, जैसे ठीक है, आप हमेशा क्लियर रहे, ठीक है, क्या क्लियर रहे, जैसे मान के चलिए एक एग्जाम्पल, अभी हम इसी को लिख लेते हैं, जैसे वन कॉमा टू कॉमा थ्री लिखा हमने, ठीक, हमने क्या लिखा, हमने एक रिलेशन लिखा इस प्रकार से, वन कॉमा वन, टू कॉमा टू, थ्री कॉमा थ्री और वन कॉमा टू लिख दिया सपोज इस प्रकार से, ठीक। तो अगर आप देखो, अगर हमको कोई बोले कि आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं, तो जब हम इसका आइडेंटिटी रिलेशन चेक करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वन वन से रिलेटेड है, ठीक है, टू टू से रिलेटेड है, ठीक है, थ्री थ्री से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन ये वन जो है वो टू से रिलेटेड क्यों हो गया, एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ गई। तो जब अगर इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाए तब भी ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता है, नॉट है ना, नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता। साफ शब्दों में आप समझिए, आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट का अपने साथ पेयर होना चाहिए। अगर अपने साथ किसी एक भी एलिमेंट का पेयर नहीं है तब भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, सबका पेयर है, अगर एक्स्ट्रा कोई ऑर्डर पेयर आ गया तब भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अब जैसे ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है तो ये किस प्रकार का रिलेशन होगा, ये रिफ्लेक्शन कहलाएगा आपका, ठीक है, ये रिफ्लेक्शिव कहलाता है, इसको हम लोग रिफ्लेक्शिव बोलते हैं, ठीक है, ये रिफ्लेक्शिव कहलाएगा बट आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्शिव बोल देते हैं लेकिन आइडेंटिटी नहीं बोलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शिव में भी कंडीशन होती है बट ये तो रिफ्लेक्शिव कहला गई। तो आई होप आपको आइडेंटिटी रिलेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ, यानी कि हमारे जो इक्विवेलेंस रिलेशन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं और उससे रिलेटेड तीन और रिलेशंस हैं, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन के ऊपर बात करेंगे। जैसे सपोज मान के चलिए, इफ अगर हमने बोला कि ए कॉमा ए ये एक आर का एलिमेंट है, इफ ए कॉमा ए इज एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल, फॉर ऑल है ना, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, अगर ए कॉमा ए आर का एक एलिमेंट है और ये क्या है, सेट ए का एलिमेंट है, तब हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है। जैसे इसको अगर हम अदरवाइज और किसी तरीके से समझे तो हम क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि इफ ए रिलेटेड ए, अगर ए ए से रिलेटेड है ना, तो फॉर ऑल ए क्या होगा, एक सेट ए का एलिमेंट होगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे समझे, अभी हमने एक एग्जांपल लिखा था, क्या लिखा था हमने एक एग्जांपल लिखा था इस प्रकार से, वन कॉमा टू कॉमा थ्री, और हमने एक रिलेशन लिखा है इसके ऊपर है ना, वन कॉमा वन, ठीक है, हमने एक रिलेशन लिखा वन कॉमा वन, टू कॉमा टू और एक थ्री कॉमा थ्री, ठीक है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं क्या, हम यहाँ देख रहे हैं कि वन वन से रिलेटेड है, टू टू से रिलेटेड है, थ्री थ्री से रिलेटेड है, तो हम इसको रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, ठीक है, हम इसको रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। रिफ्लेक्सिव के साथ साथ इसको आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि अभी तक आइडेंटिटी की भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, और इसी के साथ साथ अगर मान के चलो 1.3 बोल दिया,
अगर हमने बोला कि इसमें 1,3 भी है किसी में, तो अगर इसमें 1,3 है तब ये आइडेंटिटी नहीं रहा, बट ये रिफ्लेक्सिव अभी भी है, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव अभी भी है। अगर मान के चलो ये 1,3 भी हटा दो और ये 3,3 हटा दो, सिर्फ 1,1 2,2 रख दो और सेट ले लो 1, 2, 3 का। अगर हमारे पास सेट 1 है 2 है 3, 1, 2, 3 एलिमेंट का है, इसमें सिर्फ 1,1 2,2 प्रेजेंट है, तो हम लिखेंगे कि 1 जो है 1 से रिलेटेड है, 2 जो है 2 से रिलेटेड है, बट 3 3 से रिलेटेड नहीं है, तो ये ना तो आइडेंटिटी कहलाएगा और ना ही रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को आप बहुत क्लियरली समझिएगा, ना तो ये आइडेंटिटी कहलाएगा उस केस में और ना ही रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए भी तीनों एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए और अदर एलिमेंट का भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। आइडेंटिटी होने के लिए सिर्फ अपने ही एलिमेंट का अपने साथ रिलेशन होना चाहिए, अगर दूसरे एलिमेंट का हो गया तब वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सिमेट्री। सेकेंड पार्ट है हमारा सिमेट्री, जो पहला हो गया रिफ्लेक्शन, दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, जैसे सपोज मान के चलिए कि इफ आपके पास ए कॉमा बी कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन आर का, ये रिलेशन आर का कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो दिस इंप्लाई दैट, है ना, दिस इंप्लाई दैट कि बी कॉमा ए बी एक आर का एलिमेंट होना चाहिए। अगर a कॉमा b r का एलिमेंट है, दिस इंप्लाई दैट b कॉमा a भी r का एलिमेंट होना चाहिए, है ना, फॉर ऑल, है ना, फॉर ऑल कि a कॉमा b जो है वो a का एलिमेंट है, है ना। अगर a कॉमा b अगर r में एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो दिस इंप्लाई दैट b कॉमा a को भी r का एक एलिमेंट होना चाहिए। इसके लिए a और b दोनों क्या है, a का एक एलिमेंट है। इसी चीज को अगर हम ऐसे लिखें, दैट इज कि ए अगर रिलेटेड है बी से, तो दिस इंप्लाई दैट कि बी भी जो है ना, बी भी जो है वो ए से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ए बी से रिलेटेड है, तो दिस इंप्लाई दैट कि बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए, और फॉर ऑल ए कॉमा बी किसका एलिमेंट होना चाहिए, सेट ए का, यानी ए भी ए का एलिमेंट होगा, बी भी ए का एलिमेंट होगा, क्योंकि सेट ए के लिए हमने इसको डिफाइन किया। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम ट्रांजिटिव के बारे में, इसका भी एक एग्जांपल आप दे सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज मान के चलिए आपने कोई एक एग्जांपल लिया ऐसे 1,2,3, ठीक, और आपने एक रिलेशन लिख दिया 1,2, है ना, और 2,1, ठीक है, इस प्रकार से, और 1,2,3 कुछ इस प्रकार से आपने सेट ले लिया, तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि 1,2 जो है वो R का एलिमेंट है, तो दिस इंप्लाइज दैट 2,1 भी अगर इसका एलिमेंट हो जाए, तो 2,1 भी अगर है, तो हम क्या बोलेंगे कि R is a reflexive, R is a symmetric on relation on set A, R क्या कहलाएगा है, symmetric कहलाएगा on on A, otherwise अगर इसे 1,2 है, 2,1 नहीं होता, या जैसे 2,3 है, 2,1 नहीं होगा, अगर 2,3 होता, तब ये symmetric नहीं कहलाता। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, लास्ट हमारा ट्रांजिटिव, ठीक है, चलिए ट्रांजिटिव की तरफ मूव करते हैं। तो ट्रांजिटिव में क्या बोल रहा है, ये ट्रांजिटिव में बोलता है थर्ड, अगर हम ट्रांजिटिव के बारे में बात करें, तो ट्रांजिटिव का मतलब हो जाता है जैसे कि इफ इफ ए कॉमा बी आर का एलिमेंट है और बी कॉमा सी भी आर का एलिमेंट है, अगर a कॉमा b भी r का ऑर्डर्ड पेयर है, b कॉमा c भी r का ऑर्डर्ड पेयर है, तो दिस इंप्लाई दैट, है ना, दिस इंप्लाई दैट कि a कॉमा c भी r का एक एलिमेंट होगा। अगर a कॉमा b r का है, तो b कॉमा c भी अगर r का है, तो a कॉमा c को भी r का होना चाहिए, फॉर ऑल a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू a, जबकि a कॉमा b कॉमा c किसका, a का एलिमेंट है। इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज कि a अगर b से रिलेटेड है और b अगर c से रिलेटेड है, तो दिस इंप्लाइज दैट a को भी किससे रिलेटेड होना चाहिए, c से, a को भी किससे रिलेटेड होना चाहिए, c से, तो फॉर ऑल a कॉमा b c कॉमा a किसका एलिमेंट है, a का एलिमेंट है। ठीक है, a कॉमा b कॉमा c इज बिलोंग्स टू सेट a, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन।
ट्रांसिटिव का जैसे एक एग्जांपल अगर आप लें, हम एक एग्जांपल के तौर पे समझा देते हैं, 2, 3, 4 एक एग्जांपल है, हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन किया है, हमने लिखा है कि जैसे 2, 3 हमने लिखा 2, 3 और हमने लिखा 3, 4 और फिर हमने लिखा 2, 4, ठीक है। इस प्रकार से एक रिलेशन डिफाइन कर दिया हमने। यहाँ देखा कि 2, 3 ये R का एलिमेंट है, 3, 4 भी R का एलिमेंट है, तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या कि क्या होना चाहिए कि 2 जो है वो 4 के साथ रिलेशन होना चाहिए, तो 2, 4 के साथ है। जब 2, 4 के साथ है तो हम क्या बोलेंगे कि 2, 4 भी R का एक ऑर्डर्ड पेयर है, जब है तब हम बोल देंगे कि R is transitive। तो R क्या कहलाएगा, transitive कहलाएगा। तो ये बातें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है क्लास 12 रिलेशन में। तो ये जो तीन चीज़ें हमने बताई है ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव अगर तीनों एग्जिस्ट कर जाती हैं तो एक नया रिलेशन बनता है और उस रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस होगा कब, जब तीनों रिलेशन एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए 3 कंडीशंस आर मस्ट बी नेसेसरी टू सेटिस्फाई द रिलेशन, ठीक है। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब कहलाएगा जब 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो। वो 3 कंडीशंस क्या है, पहली तो हमने बताई थी आपको रिफ्लेक्सिव, ठीक है, पहली हमने बताई आपको रिफ्लेक्सिव, और दूसरी हमने बताई आपको सिमेट्रिक, और तीसरी हमने बताई आपको ट्रांजिटिव। ये 3 बातें अगर है ना सेटिस्फाइड हो जाती है तब कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कहलाएगा। इसके लिए हमने क्या बताया, इसके लिए हमने बताया कि ए कॉमा ए अगर आर का एक ऑर्डर्ड पेयर है, अगर ए कॉमा ए आर का ऑर्डर्ड पेयर है फॉर ऑल, ए अगर ए का एलिमेंट है, ठीक है। और हमने क्या बताया कि अगर इसके लिए हमने बताया कि ए कॉमा बी अगर आर का एलिमेंट है तो दिस इम्प्लाइज दैट कि बी कॉमा ए को भी आर का एलिमेंट होना चाहिए, और ए कॉमा बी ए का एलिमेंट होगा। और इसके लिए हमने क्या बताया कि ए कॉमा बी अगर R का एलिमेंट है और B, C भी अगर R का एलिमेंट है तो दिस इम्प्लाई दैट कि A, C को भी R का एलिमेंट होना चाहिए, और A, B ये किसके एलिमेंट होंगे, A के। तो ये तीन कंडीशन जो है अगर सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो हम क्या बोलेंगे कि कोई भी रिलेशन क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, अदरवाइज हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बोल सकते, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हुआ हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में छोटा सा ब्रीफ कंसेप्ट। अब हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तभी भी मेरे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।